ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राशि चक्रों की राशियों के अधिपति के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ वो अधिपति अगर सौ राशि में ही रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि एक राशि का अधिपति कौन होता है। देखिए, राशि क्या है, जो भाव चक्र में 30 डिग्री का एक राशि होता है, एक राशि में तीन नक्षत्र होता है और उसका सार सरण होता है, तो इसे एक राशि होता है। देखिए, मेष से मीन तक जो भी राशियां है उसका सब किसी किसी को दो दो राशियां अलॉट हुआ है, किसी को एक राशि अलॉट हुआ है, किसी को एक भी राशि नहीं अलॉट हुआ है। आइए समझते हैं कि किसको कौन सी राशि मिला है। देखिए, मेष जो है, मेष राशि को की अधिपति जो है वो मंगल देवता है, मंगल देवता को मेष राशि मिला है, ठीक है, और शुक्र देवता को वृषभ राशि, और मिथुन की जो अधिपति होगा वो बुध होगा, कर्क की जो अधिपति होता है वो चंद्रमा होता है, फिर सिंह का अधिपति सूरज देवता होता है, कन्या का फिर बुध देवता होता है, तुला का फिर शुक्र देवता होता है, वृश्चिक का मंगल देवता अधिपति होता है, धनु का गुरु देवता यानी बृहस्पति अधिपति होता है, मकर का शनि देवता होता है और कुंभ का भी शनि देवता ही अधिपति होता है। उसका बाद मीन राशि जो है उसका भी अधिपति गुरु बृहस्पति के पास है। ये तो मोटा मोटी तरह से हमने जान लिया कि किस ग्रह का कौन सी राशि में अधिपति है। अभी हमें समझना होगा कि वो राशि में अगर जो ग्रह है उसका खुद की राशि होगा तो वो कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा या खराब देगा। देखिए, वो तो कुंडली के ऊपर तय होगा कि कोई ग्रह अगर सौ राशि हुआ तो वो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, कुंडली में अगर उसकी भावत्व के हिसाब से जो उसकी निसार होगा और ग्रह की जो निशान होगा उसके हिसाब से ही जातक को फल मिलता है। हम ये समझेंगे कि कोई ग्रह, सपोज गुरु देवता अगर मीन राशि में हो तो वो कैसे रिजल्ट देगा, ये सब हम आज समझेंगे कि कौन सी राशि किस ग्रह को अलॉट हुआ है, कौन सी राशि किस ग्रह का आधिपत्य में आया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि सूर्य देवता अगर सौ राशि में रहे, सौ राशि कहाँ होगा, सूर्य देवता अगर सिंह राशि में रहे तो उसका कैसा रिजल्ट आएगा। देखिए, वो मनुष्य थोड़ा उग्र स्वभाव वाला होता है, मनुष्यों का स्वभाव में उग्रता रहता है, वो बड़े काम, ठीक है, बड़े कार्य करने वाला होता है और उसमें सक्षम भी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट आदि का बड़ा बड़ा डिसीजन हो इसी उससे की सूर्य बहुत ठीक तरह से ले सकता है। और चंद्रमा अगर सौ राशि का हो, चंद्रमा कहाँ सौ राशि का होगा, चंद्र देवता कर्क राशि में सौ राशि का होगा, तो वो क्या होता है कि धर्मरथ होता है, धर्म में ज़्यादा समय देता है, धर्म में उसका रुचि बहुत होता है, और मनुष्य होता है खुददार होता है, वह जातक सुंदर होता है, दिल से भी होता है और कर्म से भी वह जातक खुददार होता है, वो दूसरों को हाथ नहीं फैलाता है, अपने दम से बलबूते से वो अपने जीवन लायक जीने लायक जो साधन है उसे वो आराम से वो जोड़ लेते हैं। और मंगल देवता अगर सौ राशि का हो, जैसे मंगल देवता मेष में हो, वृश्चिक में हो, तो वो जातक धनी होगा, लेकिन उसका जो प्रसन्न उग्र स्वभाव वाला होता है थोड़ा उग्र होता उसमें रहेगा। मंगल देवता अगर सौ राशि का होता है इसमें कोई शंका नहीं कि वो धन को जोड़ लेगा, धन भी कमा लेगा, धनी भी होगा, लेकिन उसके स्वभाव में उग्रता रहेगा। और बुध देवता अगर सौ राशि का हुआ, बुध कहाँ पर सौ राशि का होगा, या तो जेमिनी में होगा, मिथुन में होगा, ये तो या तो कन्या में होगा, तो क्या होगा कि रिजल्ट, वो उत्तम वक्ता होता है, बहुत बढ़िया बोलने में माहिर होता है, ठीक है, पंडित होता है वो जातक वो जातिका, और ये बोलने में बहुत सक्षम होता है, और ये जो कोई भी काम हो वो आसानी से अपने सूझबूझ से ये करने में सक्षम होता है अगर बुध देवता सौ राशि का हुआ तो। और वो व्यक्ति धनी होता है अगर बुध देवता अगर सौ राशि का हुआ,
तो धनी होता है, मानी होता है। अब ये समझते हैं कि गुरु अगर सौ राशि का हो, गुरु कहाँ पर सौ राशि का होगा? गुरु देवता या तो धनु राशि में होगा या तो मीन राशि में, गुरु देवता सौ राशि का होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वो जो राष्ट्र आदि का राष्ट्र में वो सूझबूझ से जो काम करने वाला होता है, फिर शास्त्र का ज्ञान उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो जातक धनी होता है और उत्तम कार्य करने वाला होता है, जो समाज के हित के लिए होता है वो काम करने में ज़्यादा सक्षम रहता है। अगर गुरु देवता अगर उच्च का हुआ, सॉरी गुरु देवता अगर सौ राशि हुआ, तो अगर गुरु देवता या तो मीन राशि में हो या तो धनु राशि में हो, और शुक्र देवता अगर सौ राशि का होता है तो वो कृषि कार्य करने वाला होता है, जितना भी कृषि काम है वो कार्य करने वाला होता है। और ये जो शुक्र देवता धनवान होता है, उत्तम धनवान होता है, अगर वो सौ राशि का हुआ, कहाँ कहाँ सौ राशि का होगा, या तो वृषभ राशि में होगा या तो शुक्र देवता तुला राशि में सौ राशि का होता है। और शनि देवता अगर सौ राशि का हुआ, शनि देवता अगर मकर में हो या कुंभ में राशि में हो, तो क्या होता है, वो जातक माननीय होता है, ठीक है, और दुख से कोसों दूर रहता है, उससे दुख इतना जल्दी नहीं आता है, दुख रहित हो वो, दुख उसको छू नहीं पाता है। ये शनि देवता अगर सौ राशि का होता है तो वो कहाँ होगा सौ राशि, या तो मकर में होगा या तो कुंभ में होगा। तो आज हमने क्या जाना कि राहु केतु को छोड़ के जिसकी राशि अलॉट हुआ है, जिस ग्रह को, उसके बारे में हम जाना कि अगर वो ग्रह उसी राशि में हो, उसके अपनी राशि में हो, तो क्या रिजल्ट आता है। आप लोग भी देखिए कि आप लोगों की कुंडली में कोई ग्रह जो है वो कौन सी राशि में है, सौ राशि में है, तो कैसा रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।